तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्री फायर गेम का बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ रस गेम प्ले के लिए। मतलब कि रस गेम प्ले के लिए इससे अच्छा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये एकदम यूनिक सा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होने वाला है जिसके यूज करने के बाद ना आप क्लैश स्क्वाड गेम के अंदर 1v2, 1v3, 1v4 सिचुएशन में इजिली आप मैच निकाल सकते हैं इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का यूज करने के बाद। तो देखिए मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि 1v2, 1v3, 1v4 सिचुएशन में आप मैच निकाल सकते हैं, मैंने इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का यूज किया है। तो ये जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होने वाला है रस गेम प्ले के लिए इतना ज्यादा मतलब बेनिफिशियल होने वाला है, क्या ही बोले। हर कैरेक्टर आपको रस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, इसलिए ये जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है फ्री फायर का बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होने वाला है रस गेम प्ले के लिए। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मेरे इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के लिए कौन सा सबसे अच्छा सूटेबल एक्टिव स्किल कैरेक्टर है। तो देखिए मैं यहाँ पर रस करने के लिए एकदम बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ। रस करने में हम लोग को चाहिए स्पीड, और स्पीड जो है ना दो ही एक्टिव स्किल स्लॉट कैरेक्टर सबसे अच्छा प्रोवाइड करता है। पहला तो तत्सुया कैरेक्टर जिसका मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, इसका स्पीड का यूज कर रहा हूँ, और दूसरा है आलोक कैरेक्टर। तो ये दोनों कैरेक्टर जो है ना तत्सुया और आलोक कैरेक्टर ये दोनों स्पीड के लिए जाना जाता है फ्री फायर गेम में। ये दोनों कैरेक्टर आलोक और तत्सुया अपने स्पीड के लिए जाना जाता है। तो अगर आप रस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का मतलब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप स्पीड के लिए आलोक और तत्सुया का यूज कीजिएगा तो मतलब आप इनिमी को सरप्राइज करके उसको मार सकते हैं, क्योंकि आप आलोक और तत्सुया कैरेक्टर का स्पीड का यूज करके अचानक इनिमी के ऊपर रस करके अचानक से उसको मार सकते हैं। इसके अलावा देखिए अलावा आप कौन सा एक्टिव स्किल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, ये दोनों तो हो गया रस करने के लिए परफेक्ट। इसके अलावा जो है ना एक्टिव स्किल स्लॉट में आप होमर और वुकोंग कैरेक्टर, इन दोनों कैरेक्टर को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि होमर और वुकोंग भी जो है ना बहुत अच्छा कैरेक्टर है रस करने के लिए। आप होमर का ड्रोन इनिमी को मार करके इजिली मार सकते हैं, वुकोंग करते क्या ही बोले 1v4 करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो मतलब आप रस करने के लिए जो मैं कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ यहाँ पर आपको कौन सा यूज करना है, पहले तो आपको प्रीफरेंस देना है तत्सुया और आलोक पे, क्योंकि वो दोनों स्पीड कर देता है आपको। अगर आपको तत्सुया या आलोक पसंद नहीं है तो आप होमर या वुकोंग का यूज कीजिए। तो मतलब इन चारों में से एक कैरेक्टर का आप यूज कीजिए एक्टिव स्किल स्लॉट में तो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा रस गेम प्ले में। तो मैंने आपको सजेस्ट कर दिया कि आपको कौन सा एक्टिव स्किल कैरेक्टर यूज करना है रस गेम प्ले के लिए। तो चलिए अब जो है हम लोग अपना मेन टॉपिक पे आते हैं, मतलब कि बाकी जो तीन मतलब कैरेक्टर स्किल बच गया, मतलब पैसिव कैरेक्टर जो हम लोग को चुनना है उसमें हम लोग कौन कौन सा कैरेक्टर चुने ताकि रस करने में हम लोग को सबसे ज्यादा हेल्प मिले। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ वहां पर आपको फर्स्ट स्किल स्लॉट में ओथो कैरेक्टर का यूज कर देना है। क्यों करना है मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो इससे पहले आप जान लीजिए कि OB39 अपडेट के बाद जो ओथो कैरेक्टर की एबिलिटी एकदम गजब का कर दिया है, एकदम गजब का कर दिया है। ये जो ना रस करने में आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो किस तरह हेल्प करेगा चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए ओथो कैरेक्टर की एबिलिटी है जैसे आप किसी इनिमी को डाउन किए तो उसके ऊपर मार्क लग जाएगा, और उसके जो 20 मीटर के एरिया में जो भी इनिमी है उसके सर के ऊपर एक मार्क लग जाएगा, और जिसके ऊपर भी मार्क लगा समझ लिए उसका मूवमेंट स्पीड 25% घटा देगा ओथो कैरेक्टर। तो ये एबिलिटी 4 सेकंड के लिए एक्टिव रहता है। तो इसका देखिए गेम के अंदर क्या एडवांटेज होता है मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। तो आप यहां पर देखिए मैं यहां पर रस करके तो आ गया, उसके बाद देखिए हमको एक इनिमी दिख रहा है और मैं इसको जब डाउन करता हूं ठीक ना, जैसे मैं इसको डाउन किया देखिए राइट में एक इनिमी है मार्क लग गया, और हमको ये भी कंफर्म हो गया कि यहां पर एक ही और इनिमी है। और जैसे मैं इसको डाउन करता हूँ देखिए घर के अंदर से एक इनिमी आ रहा है उसके ऊपर भी मार्क लग गया। तो मतलब आप समझ गए इस तरह से मार्क लगते जाएगा, डाउन कीजिए उसके 20 मीटर के एरिया में अगर कोई इनिमी है तो उसके ऊपर मार्क लग जाएगा। इससे दो बेनिफिट होता है, एक तो मार्क लग जाता है और दूसरा कन्फर्म हो जाता है कि इसके आसपास इनिमी है कि नहीं है, ओथो का ये एडवांटेज होता है। और देखिए यहाँ देखिए हमको ओथो से कितना ज़्यादा हेल्प मिलता है, इसको जैसे डाउन करते हैं हमको पता चल जाता है ऊपर से इनिमी मेरे पर रस कर रहा है तो मैं कितना आसानी से उसको डाउन कर देता हूँ। और देखिए जिसके ऊपर भी ये मार्क लगता है ना, ये मुको वाला जो मार्क लगता है उसका मूवमेंट स्पीड भी 20% कम हो जाता है, 25% मूवमेंट स्पीड कम हो जाता है, जिससे कि इनिमी भाग नहीं सकता है या मेरे ऊपर रस नहीं कर सकता है, जिससे कि हमको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है। मतलब कि जब भी रस करेंगे और रस करके
अगर फर्स्ट इनिमी को डाउन करेंगे तो दूसरा तीसरा चौथा सारा इनिमी का लोकेशन हमको पता चल जाएगा। जैसे देखिए इसको डाउन किया तो दूसरा का लोकेशन हमको पता चल गया कि इसके लेफ्ट में यहाँ बंदा है, इसको मार दिए। और देखिए इसका दूसरा एडवांटेज तो आपको पता है कि मूवमेंट स्पीड भी पता कम हो जाता है अपोनेंट का, जिससे कि अपोनेंट भाग भी नहीं पाता है, तो मतलब वो तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और इसके अलावा भी ओथो कैरेक्टर का एक और हेल्प होता है। क्या हेल्प होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं रश करने के दौरान जैसे डाउन हुआ तो देखिए अपोनेंट का मूवमेंट स्पीड 25% कम हुआ और अपोनेंट के ऊपर देखिए मार्क लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये मार्क मेरे फ्रेंड को भी दिखेगा, मतलब कि मेरे फ्रेंड को पता चल जाएगा कि इनिमी कहां कहां पर है। तो मतलब आप समझ गए, अगर आप ओथो कैरेक्टर के यूज करके रश कीजिएगा तो इनिमी को मारिएगा तो वहां तो बेनिफिट होगा, अगर आप मर जाइएगा तो भी आपके फ्रेंड को बेनिफिट होगा। तो ओथो कैरेक्टर रश करने के लिए एकदम बहुत ज्यादा गजब का कैरेक्टर है। आप फर्स्ट स्किल स्लॉट में ओथो कैरेक्टर का जरूर से जरूर यूज कीजिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो सेकंड स्किल स्लॉट है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन सा कैरेक्टर यूज करना चाहिए। तो देखिए आपको सेकंड स्किल स्लॉट में जो है ना वहाँ पर जोटा कैरेक्टर यूज करना है। क्यों जोटा कैरेक्टर यूज करना है कि जोटा कैरेक्टर का एबिलिटी तो आपको पता है ना कि वो जो है ना 40-50 HP देता है जब भी आप अपोनेंट को इनिमी को डाउन या किल करते हैं। तो मतलब जब भी आप रश करते हैं अपोनेंट को मारते हैं तो अपोनेंट भी तो आपको डैमेज देता है। जैसे कि अपोनेंट हमको डैमेज दिया और उसको जैसे हम नॉक डाउन किए हमको 40-50 इंस्टेंट HP मिल गया। आप देखिए जैसे ऊपर वाला को डाउन किया फिर से मेरा HP बढ़ गया। तो यही मतलब जोटा कैरेक्टर बेनिफिट देता है कि आप रश करते जाइए आपका HP बढ़ते जाएगा। आप मतलब रश कीजिए अपोनेंट को डाउन कीजिए 40-50 HP मिल जाएगा। मतलब 40-50 HP बहुत ज्यादा होता है। आप यहाँ देख ही सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक मेडिकेट मारा और 3 अपोनेंट को डाउन कर दिया, आप खुद ब खुद देख सकते हैं। और मेरा HP फुल हो गया, ठीक ना। हमको कितना ज्यादा डैमेज पड़ा, पहला इनिमी हमको डैमेज दिया, दूसरा इनिमी डैमेज दिया, तो तीसरा तो डैमेज नहीं दिया था, 2 इनिमी डैमेज दिया और फिर से मेरा HP बढ़ गया। और यहाँ लास्ट वाला इनिमी को गजब का हेडशॉट मारते हैं, आराम से क्वाड्रा किल निकाल लेते हैं। मतलब जोटा कैरेक्टर यही हेल्प करता है कि आप जब रश करते जाइए इनिमी को डाउन करते जाइए आपका हेल्थ फुल होते जाएगा, ठीक ना। जोटा कैरेक्टर यही बेनिफिट देता है, तो इससे बहुत ज्यादा हेल्प हो जाता है रश करने में। तो सेकंड स्किल स्लॉट में आप जोटा कैरेक्टर यूज कीजिए, इससे HP का कोई कमी नहीं होगा आपको। उसके बाद लास्ट में यानी कि चौथा स्किल स्लॉट में आपको दशा कैरेक्टर यूज करना है, क्योंकि दशा कैरेक्टर भी रश करने में आपको बहुत 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 ज्यादा हेल्प करने वाला है। क्या हेल्प करने वाला है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो दशा कैरेक्टर की एबिलिटी है जब आप किसी अपोनेंट को डाउन करते हैं तो आपका मूवमेंट स्पीड 12% बढ़ जाता है और रेट ऑफ फायर गन का 18% बढ़ जाता है। मतलब ये 6 सेकंड के लिए ही बढ़ता है, लेकिन देखिए मल्टीपल इनिमी से फाइट करने में दशा कैरेक्टर बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जैसे कि आप पहला इनिमी को डाउन कीजिएगा तो आपका रेट ऑफ फायर 18% गन का बढ़ जाएगा और मूवमेंट स्पीड 12% बढ़ जाएगा, अगले 6 सेकंड के लिए ही बढ़ता है। लेकिन दूसरा इनिमी से फाइट करने में यानी कि मल्टीपल इनिमी से फाइट करने में दशा कैरेक्टर बहुत ज्यादा हेल्प फुल है। तो मतलब आप जब रश कीजिएगा अपोनेंट के ऊपर रश कीजिएगा तो आपके रश कीजिएगा तो वहां एक ही इनिमी थोड़ा होगा, एक को जब डाउन कीजिएगा तो आपका गन का रेट ऑफ फायर 18% और आपका मूवमेंट स्पीड 12% बढ़ जाएगा। तो इससे दूसरा एडवांटेज हो जाएगा कि आप जल्दी से दूसरा इनिमी को मार सकते हैं, फिर आप उसको डाउन करने के बाद फिर से गन का रेट ऑफ फायर अगले 6 सेकंड के लिए बढ़ा हुआ रहेगा, तो फिर आप तीसरा इनिमी को मार सकते हैं, फिर आप चौथा इनिमी को मार सकते हैं। इस तरह से रश करके 1v4 सिचुएशन में आप बहुत इजीली मतलब इनिमी को किल कर सकते हैं अगर आप दशा कैरेक्टर यूज कीजिएगा। यहीं पर देखिए पहला इनिमी को डाउन किया मेरा गन रेट ऑफ फायर 18% बढ़ाया, दूसरा एनिमी देखिए बॉडी शॉट में कितना जल्दी मर गया था, 18% रेट ऑफ फायर और 12% मूवमेंट स्पीड बढ़ा हुआ और मैं देखिए कितना जल्दी फिनिश भी कर पाया, क्योंकि ये दशा की एबिलिटी है ना कि गन का रेट ऑफ फायर बढ़ा रहा है, मूवमेंट बढ़ा रहा है। अब देखिए फर्स्ट एनिमी को डाउन किया, यहां मूवमेंट स्पीड मेरा बहुत ज्यादा बढ़ गया, 12% बहुत ज्यादा होता है, और जल्दी से मैं देखिए दूसरा एनिमी के पास पहुंच जाता और दूसरा एनिमी को देखिए जैसे डाउन करता हूं फिर से मेरा रेट ऑफ फायर और मूवमेंट स्पीड बढ़ा और देखिए यहां तीसरा एनिमी को मार देता हूं। तो मतलब आप समझ गए कि दशा कैरेक्टर बहुत ज्यादा हेल्प करता है मल्टीपल इनिमी से फाइट करने में और रश करने में, इस कारण से दशा कैरेक्टर बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तो इसलिए मैंने बोला चौथा स्किल स्लॉट में आपको दशा कैरेक्टर यूज करना है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको कौन सा एक्टिव स्किल कैरेक्टर यूज करना है, फर्स्ट स्किल स्लॉट में ओथो यूज करना है, सेकंड स्किल स्लॉट में जोटा कैरेक्टर यूज करना है और थर्ड और लास्ट स्किल स्लॉट में दशा कैरेक्टर यूज करना है। इस तरह से जो ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है रश करने के लिए एकदम गजब का कैरेक्टर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन से आप गेम प्ले कीजिए तो आपको पता चलेगा कि ओथो और जोटा और दशा का जो कॉम्बिनेशन है रश करने के लिए एकदम बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है फ्री फायर गेम के अंदर, ठीक ना। तो अगर आपको ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन पसंद आए, ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को जरूर से जरूर कर दे लाइक और चैनल को 100% कर ले सब्सक्राइब।